हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। जैसे कि फ्रेंड्स, कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से ये प्रस्ताव जारी किया गया है कि इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है। तो साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश भी की गई है। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की सख्त की जरूरत है। तो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको और बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें कौशल विकास किया जा सके और इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं उनके लिए लेकिन ट्रेंड होना भी जरूरी है। मतलब कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोफेक्ट 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, यानी कि देश की आबादी करीब 19.5% व्यक्ति रिटायरमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो साल 2019 में भारत की आबादी करीब 10% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के वीडियो में आपको यही तक हम बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।